हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन क्या है? ये एक तरह का मर्ज है। और कॉन्स्टिपेशन, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है उनका पेट साफ नहीं रहता है और उनका पेट हल्का, वो अपना हल्का नरम महसूस नहीं करते पेट को, और उनका पेट जैसे पत्थर की तरह लगता है और ऐसे लगता है कुछ अंदर है ना, हैवी सा लगता है उनको और अनकम्फर्टेबल महसूस होता है। और दोस्तों कब्ज क्या है? कॉन्स्टिपेशन 100 बीमारियों की जड़, कॉन्स्टिपेशन ही 100 बीमारियों को लाता है। पेट साफ 100 बीमारियां माफ, बड़े बोलते हैं ना, हर किसी को अपना पेट साफ रखना चाहिए है। दोस्तों बड़े कहते हैं ना कि हमेशा बच्चों को भी हरड पिलाया जाता है बचपन में, क्योंकि बच्चों का पेट साफ होना चाहिए। और आप है ना, बच्चों को कहिए, बच्चे बड़े चेक करते हैं बच्चों को, अगर पेट है ना पत्थर लगता है तो बोलते हैं नहीं, इनका पेट साफ नहीं रहता है। और जिनका पेट नरम लगता है उनका पेट हल्का और नरम रहता है, जिनका पेट साफ होने की निशानी है आती है। दोस्तों आज मैं है ना कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी सी औषधि लाई हूँ, जो बहुत सारी है ना आपकी पेट की सारी बीमारी, कॉन्स्टिपेशन की सारी बीमारी ठीक कर देगा, पुरानी से पुरानी कब्ज को दूर करेगा, क्योंकि ये आजमाई हुई पुरानी से पुरानी ये औषधि है, जो जिसको लेते ही आपको पेट भी साफ होगा। जैसे जैसे आप है ना इस दवाई को लेते जाएंगे, आपकी पेट शुद्धि होगी और गैस और आव भी मिटेगी। बच्चों को बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है कीड़े की, ये बच्चों की तो होती है बड़ों की भी होती है, तो अलग से आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस दवाई को बना के रखेंगे तो आपके पेट के कीड़े भी मरेंगे और कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगा, पेट पूरी तरह से साफ होगा। दोस्तों ये दवाई लेते लेते आपकी है ना कब्ज तो नाश होने वाली है, साथ ही साथ आपकी आई विज़न भी ठीक होगी, और इससे क्या होगा आपकी हार्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आप जानते हो ना कि आँखों के लिए तो है ना मिश्री और है ना सौंफ भी बहुत अच्छी है। दोस्तों कोई आपको ज़्यादा दवाइयाँ नहीं चाहिए होगी, बस आपको जाना है आयुर्वेदिक शॉप में या तो रश है ना ग्रोसरी शॉप में भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। दोस्तों पहली चीज़ है काली हरड़ छोटी सी, ये बच्चों को भी दी जाती है बचपन में जिससे उनका पेट साफ हो। तो दोस्तों अब हम ये चारों चीज़ों से बनाएंगे। दूसरा है घी और तीसरा है सौंफ। और दोस्तों मिश्री आपको खड़ी मिश्री लेनी है, मिश्री का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। मिश्री आपको जो छोटी वाली मिश्री नहीं लेनी है क्रिस्टल वाली, आपको लेनी है बड़ी मिश्री जो धागे में मिलती है। बड़ी बड़ी मिश्रियाँ क्या है, जो क्रिस्टल की बनाई हुई मिश्री है वो मिश्री का ही शेप होता है, लेकिन सिर्फ उसका शेप अलग होता है लेकिन होती शुगर ही है, जो कि वाइट पॉइजन है। तो हमको लेना है मिश्री, जो मोटी मिश्री होती है ना वो बहुत शुद्ध और ठंडक देती है, इसलिए आयुर्वेदिक औषधियाँ गर्म होती है उसमें मिश्री मिलाई जाती है जिससे उनका दवाइयों का बैलेंस हो जाए। और बड़ी मिश्री मैंने आपको बताया बहुत ठंडक देती है। तो दोस्तों हमको ये चार चीज़ें लेनी है, तो आप अब मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी। और दोस्तों ये जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी इसको आपको रोज़ दूध के साथ लेना है, ये एक तरह का पाउडर बन जाएगा, इसको आपको बनाकर कांच के बॉटल में रखना है। और है ना ये आप है ना सुबह 1 टेबलस्पून ले सकते हो, रात को 1 टेबलस्पून दूध के साथ, गर्म दूध के साथ ले सकते हो। और इसको लेते लेते आपके शरीर में शक्ति भी आएगी, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि है ना ये कॉन्स्टिपेशन के कारण, आँव के कारण, गैस के कारण उनके पेट में बहुत परेशानी रहती है और वो अपने आप को हल्का नहीं महसूस करते। तो सारी आपका पेट भी हल्का हो जाएगा। और ना ये कई लोगों को कीड़े बहुत होते हैं, उनके कीड़े परेशान करते हैं उनको, तो पेट के कीड़े परेशान करते हैं, इसलिए उसके लिए भी ये औषधि बहुत अच्छी काम आएगी, लेकिन आपको रोज़ लेना है। दोस्तों ये बड़ों के लिए तो ये औषधि है 1 टेबलस्पून सुबह 1 टेबलस्पून शाम को, और छोटे बच्चों 9 साल के बच्चे तक आपको 1 टेबलस्पून देना है उसका आधा, और जो 4.5 साल का बच्चा है तो उससे आधा, ऐसे क्वांटिटी करके, मतलब छोटे बच्चे को उससे कम। तो आप ऐसे बच्चों को भी दे सकते हो, उनके पेट के कीड़े भी मर जाएंगे। लेकिन जो दोस्तों कोई भी शुगर यूज़ नहीं करें, हर किसी को मिश्री यूज़ करना है। कई लोग सोचते हैं कि घर पर ही शुगर निकल जाएगी पड़ी है तो हम मिश्री का खर्चा क्यों करें, नहीं दोस्तों, जो मिश्री होती है जो ठंडक भी देती है और वो है ना ऐसी औषधि से बनी हुई है जो आपको नुकसान नहीं देगी। और शुगर है ना वाइट पॉइजन है, स्लो पॉइजन है, उसको आपको अवॉइड करना है। और आयुर्वेदिक दवाओं के लिए आपको मिश्री घर पर रखनी ही चाहिए। कई लोग तो ना
ये मिठाइयाँ भी मिश्री से ही बनाते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में, तो अब मैं आपको बताऊंगी कितना कितना आपको लेना है और कैसे बनाना है। आपको लेना 100 ग्राम्स हरड, छोटी हरड काली, और आपको लेना है उसको है ना छोटी छोटी कर देनी है, और आपको लेना है 100 ग्राम्स मिश्री ये सौंफ लेनी है, 50 ग्राम्स आपको सेकने के लिए अलग अलग करके रखना है 50 ग्राम्स, और उससे 50 ग्राम्स आपको सेकना है। और तीसरी चीज़ आपको लेनी है 150 ग्राम घी, और दूसरा आपको लेना है ये 400 ग्राम मिश्री। तो दोस्तों आपको लेना है आधा घी लेना है, आधा घी आपको साइड में रखना है, आधा घी लेकर फिर आपको है ना ये हरड को सेकना है। अच्छी तरह से सेकेंगे तो आप देखेंगे हरड में से धुआं निकल रहा है, तो आपको पता ख्याल आ जाएगा कि हरड बन गई है, तो आपको निकाल के साइड में रखना है। अब आपको लेना है आधा सौंफ और आधा साइड में रखना है, आधा सौंफ लेकर आपको उसी घी में सेकना है, फिर उसको भी आपको निकाल देना है, घी के साथ ही आपको निकाल देना है, और हरड़ और सौंफ को साथ में करना है। उसके बाद आपको दोनों को ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद दूसरी सौंफ भी आपको डाल देनी है, और मिश्री आपको कूट पीस कर 400 ग्राम उसको भी कूट पीस लेना है, और सभी चीज़ों को पहले आपको पीस लेना है, जो मिश्री ना जो बिना सेकी मिश्री उसको भी डाल देना है, और मिश्री को भी आपको हमाम दस्ते में ना छोटी छोटी कूट लेनी है, नहीं तो इससे मिक्सी ख़राब हो जाएगी, इसलिए तो आपको छोटा छोटा कर देना है। उसके बाद आपको ये सब चार चीज़ें पीस कर आपको ग्लास बॉटल में रखनी है, और आपको एक टेबलस्पून सुबह लेना, एक टेबलस्पून रात को लेना है। अगर 9 साल का बच्चा है तो आप उसको आधा दे सकते हो, उससे छोटा 9 से आधा आप करके 4.5 साल का बच्चा है तो आप उसको उससे कम, ऐसे करके कम कम देना है, क्वांटिटी बच्चों के एज के हिसाब से देनी है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।